हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज आपके लिए लिखा हूँ मैं हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग। तो हैप्पी न्यू ईयर फोटो एडिटिंग में आपको कुछ इस तरह की फोटो एडिटिंग करके दिखाऊंगा, तो आप भी अपनी फोटो सिंपली ऐसे बना सकते हो। तो उसके लिए आपको कुछ पहले इस तरह का पोज देख के फोटो क्लिक करानी पड़ेगी। आप मोबाइल से भी क्लिक करा सकते हो फोटो, ठीक है। तो मैं इसमें मॉडल पिक लिया है ये वाला, तो इस तरह से फोटो आप क्लिक करा लिया। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी टॉप 5 फोटो एडिटिंग हैप्पी न्यू ईयर के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लेना, उसमें वो आपको बहुत काम आएगी। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। सबसे पहले हम पिकार्ट में एडिटिंग करेंगे, उसके बाद हम लाइटरूम में एडिटिंग करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, हम पिकार्ट में आ चुके हैं। तो पिकार्ट में मैं बैकग्राउंड पहले ओपन कर लूँगा, ठीक है। तो मैं बैकग्राउंड ओपन कर लेता हूँ पहले जल्दी से, ठीक है। एंड बैकग्राउंड को क्रॉप कर लें 3.4 साइज पे, ठीक है, ऐसे डन कर लेना। एंड इतना होने के बाद हम इसमें सिंपल तरीके से PNG सेट करेंगे पहले, ठीक है। तो इनका लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। तो पहले हम गाड़ी का PNG ऐड करेंगे ये वाला, ठीक है। एंड चाहेंगे ब्लेंड मोड पे, ठीक है। तो पहले इसको इस साइज़ में रखना है, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है। ब्लेंड पे जाके स्क्रीन कर देंगे, ओके। एंड हार्डनेस कम करके साइज इतना रखना है, और इसको कुछ इस तरह से नीचे से रेज कर देना है। आप जूम करके भी रेज कर सकते हो, ठीक है, जैसे पेड़ के पास वास्ते, ताकि ऐसा लगे पीछे की तरफ है वॉच, ओके। तो यहाँ पे इतना हो गया। एंड यहाँ से करेंगे डन। डन करने के बाद जाएंगे दोबारा ऐड पे। ऐड पे जाने के बाद देंगे मॉडल PNG, तो आप अपना फ़ोटो ले सकते हो। तो यहाँ पे मैं मॉडल PNG निकाल लेता हूँ, ठीक है। तो ये रहा हमारा मॉडल। तो यहाँ से हम करेंगे ऐड, एंड देख लीजिए आपको किस तरह से लगानी है फ़ोटो। कुछ इस तरह से साइज करनी है, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं रखनी है फ़ोटो को, ओके। तो कुछ इस तरह से लगा देंगे एंड डन कर देंगे। एंड दोबारा ऐड पे जाएंगे एंड 2021 PNG ऐड करेंगे इसमें अब। तो कुछ इस तरह की होने वाली है, तो इसको कुछ इस तरह से करके बड़ा करके एंड यहाँ पर लगा देना है, ओके। तो यहाँ पर लगा देंगे एंड यहाँ से करेंगे हम डन। डन करने के बाद ऐड पर जाएंगे। ऐड पे जाने के बाद दोबारा हम ये वाली PNG लेंगे, डार्कनेस, नीचे डार्कनेस वाली है। तो कुछ इस तरह से करके हम इसे लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें थोड़ा छोटा सा कर लेता हूँ एंड कुछ इस तरह से करके हम लगा देंगे। तो ये आप अच्छे से मैनेज करके लगाना, यहाँ पे ज़्यादा डार्कनेस भी अच्छी नहीं लगेगी एंड नीचे ज़्यादा लाइटिंग भी अच्छी नहीं लगेगी। तो आपको यहाँ पे अपन मैनेज करना पड़ेगा। तो ओपेसिटी यहाँ पे कम कर लेना थोड़ी, ओके। तो यहाँ पे थोड़ी ओपेसिटी कम कर लेंगे एंड यहाँ से कर लेंगे डन। एंड अब चलते हैं ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाके कर लेंगे फ़ोटो को अब सेव। तो थ्री डॉट पे जाएंगे एंड फ़ोटो को कर लेते हैं सेव, और चलते हैं अब लाइट रूम में। तो दोस्तों, हम लाइट रूम में आ चुके हैं। अगर आपके पास लाइट रूम अनलॉक वर्जन नहीं है तो आप डाउनलोड कर लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो वहाँ से आकर आप डाउनलोड कर लीजिएगा सिंपली। तो यहाँ पर मैं फ़ोटो ऐड कर लेता हूँ पहले, सबसे पहले, ठीक है, जो हमें जिसमें हमें कलर टोन डालनी है। तो सबसे पहले हम देखिए लाइटिंग पे आ गए एंड एक्सपोज बढ़ा दी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा दिया है, हाईलाइट कम करनी है एंड शेडो बढ़ा देनी है 5 या 6, ठीक है। हाईलाइट थोड़ी मैनेज कर लेते हैं, ओके। तो वाइटनेस अब हम थोड़ा बढ़ाएंगे एंड ब्लैकनेस कम करेंगे, ब्लैक, ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे हम कलर्स पे, कलर्स पे जाने के बाद जाएंगे ऑरेंज पे, स्किन टोन पे, एंड यहाँ पे थोड़ी इंक्रीज कर देंगे ल्यूमिनेस। एंड यहाँ पे हम थोड़ी हुई कम करेंगे, ठीक है, येलो कलर की हुई कम करेंगे, ठीक है। एंड ग्रीन कलर की भी हुई कम कर देंगे। तो ब्लू थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, यहाँ पे हमारा थोड़ा जैकेट पे आ रहा है ब्लू, तो थोड़ा बढ़ा देंगे इसको, ठीक है, ताकि अच्छा लगे। तो यहाँ पे सिंपली हम कलर्स डाल दिए हैं एंड जाएंगे हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट पे जाएंगे हम टेक्सचर बढ़ाएंगे इसका, ठीक है। तो पहले सबसे पहले विनिटीज हम करनी है, सॉरी, एंड टेक्सचर हमें 6 के अप्रोक्स रखना है, और हम क्लियरिटी भी थोड़ा 4 पे रखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा नहीं बढ़ाना है ये। एंड जाएंगे नेक्स्ट पे, शार्पिंग बढ़ा देंगे हम 47 या 45 के अप्रोक्स, ठीक है। एंड जाएंगे नॉइस रेडिएशन बढ़ा, यहाँ पे कलर नॉइस रेडिएशन बढ़ानी है 40, ओके। तो यहाँ पे हमें फ़ोटो बन चुकी है, ठीक है, तो काफ़ी अच्छी लग रही है। देखिए बिफोर आफ्टर करके दिखा रहा हूँ, तो हमारी फ़ोटो काफ़ी अच्छी लग रही है। तो आप भी सिंपली ऐसी फ़ोटो बना सकते हो। दोस्तों, बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताई है मैंने आपको, एंड PNG एंड बैकग्राउंड के लिए आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।
तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और।